कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ की विशेष सलाह, न करें मास्क पर उड़ी अफवाहों पर विश्वास। जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क और हैंड वॉश ही सभी के लिए नेचुरल वैक्सीन है। ऐसे में मास्क से जुड़ी किसी भी अफवाह पर विश्वास मत करें, ऐसी सलाह चिकित्सा विशेषज्ञ ने दी है। दरअसल कुछ लोगों ने एंटी मास्क कैंपेन शुरू कर दिया है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस है ही नहीं, इसलिए मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने सलाह दी है कि ऐसी बातों के चक्कर में मत पड़े। प्रसार भारती ने विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि जब से वायरस आया है, तब से देखा जा रहा है कि वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी मास्क ही है। ऐसे में जो लोग एंटी मास्क कैंपेन चला रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मास्क लगाने से दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पाएंगे या फ्रेश ऑक्सीजन नहीं लेने से सेहत खराब हो जाएगी। ये सभी अफवाहें हैं, वायरस अभी भी मौजूद है। लापरवाही करने या ऐसी बातों में पड़ने से खुद की और परिवार की जान खतरे में डाल सकते हैं। कोरोना से जुड़ी खबर के लिए सोशल मीडिया पर न जाएं। सिर्फ मास्क को लेकर ही अफवाह नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि विशेषज्ञों का कहना कि सितंबर में वायरस खत्म हो जाएगा। इस बारे में डॉक्टर निश्चल ने बताया कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म की खबर पर विश्वास न करें। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो सरकार की वेबसाइट पर जाएं। एम्स ICMR स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर सही जानकारी उपलब्ध है। आप प्रसार भारती की किसी भी प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वायरस कब खत्म होगा, इस बारे में अभी किसी ने कोई पुख्ता रूप नहीं बताया है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में मृत्यु दर कम, वही वायरस से लोगों की जान बचाने के लिए तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मृत्यु दर की बात है, इसे समझ सकते हैं कि दूसरे देशों से जब तक वायरस भारत में आया, उससे पहले कई देशों में फैल चुका था। केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन किया, उस बीच हमने बहुत कुछ देशों से सीख लिया। जिस तरह की लापरवाही से दूसरे देशों में मृत्यु दर बढ़ी है, वैसी गलती हमारे देश ने नहीं की। इसके अलावा जो इम्यूनिटी के बारे में कहा जा रहा है, वो भी एक कारण हो सकता है। हम वायरस को भी अब पहचान गए हैं, ये कैसे रिएक्ट करता है, उसी के आधार पर मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। कोविड से पूरी तरह ठीक होने में कितना लगेगा वक्त, इस दौरान कोविड से ठीक लोगों पर वायरस के प्रभाव और पूरी तरह से ठीक होने में समय लगने पर उन्होंने कहा कि वायरस से ठीक होने के बाद ही लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो लोग गंभीर रूप से संक्रमित हुए हैं, उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, उन्हें लेकर थोड़ा संदेह है। कई लोगों में ठीक होने के बाद भी कुछ परेशानी सामने आई है। ऐसे लोग पूरी तरह कब ठीक होंगे, या 6 महीने या 1 साल बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा कोविड वार्ड में कई दिन रहने से मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, उससे उभरने में भी समय लग सकता है। न्यूज प्लस 24 न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या
RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।